नगर के दीनदयाल चौक पर सेल्फी पॉइंट की हुई शुरुआत। नगर में दीनदयाल चौक पर सेल्फी पॉइंट की शुरुआत की गई। नगर पालिका परिषद के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप जायसवाल, विधायक नपाध्यक्ष श्रीमती सरिता दादरे, उपाध्यक्ष प्रीति संतोष शिव सहित अनेकों पार्षदगण अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे। वहीं सेल्फी पॉइंट की शुरुआत होते ही युवा वर्ग के द्वारा सेल्फी लेने की जहां होड़ सी मच गई, वहीं दिन भर यह विषय सोशल मीडिया में लोकप्रिय होते भी दिखाई दिया। कार्यक्रम का आयोजन नपा की मुख्य अधिकारी दिशा डहरिया के द्वारा कुशलता के साथ किया गया। महानगरों की तर्ज पर सेल्फी पॉइंट के माध्यम से नगर का नाम जगह जगह पहुंचने के उद्देश्य से सेल्फी पॉइंट की शुरुआत की गई है। आज वार्ड नंबर 5 में महानगरों की तर्ज पर जो सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, आज वार्ड नंबर 5 में भी हमारे वार्ड में भी नगर पालिका परिषद हमारे विधायक आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी इनके माध्यम से हमें वार्ड नंबर 5 में सेल्फी पॉइंट का मिला है। इसके लिए मैं नगर पालिका परिषद एवं विधायक जी का बहुत आभार करता हूँ। ये सेल्फी पॉइंट आपने इसके पहले इंदौर, भोपाल, मुंबई, जबलपुर में कई जगह देखे होंगे, आई लव बालाघाट, आई लव इंदौर, इसी तरह हमारा वारसविनी करके ग्लोसाइन बोर्ड में लाइटिंग वाला सेल्फी पॉइंट का आयोजन किया गया है। क्या आपने सेल्फी ली अपनी खुद की एक? हाँ, हमने भी सेल्फी ली है और बड़ा गर्व महसूस हुआ। हमारे वारासिनी करके जो हमने स्लोगन तैयार किया है उसकी आज सेल्फी लिया। हमारे विधायक जी हमारे साथ में थे, बीए गुड्डा भैया, उनके साथ हमने सेल्फी लिया। बहुत ही उत्साह का माहौल है शहर में, युवाओं में काफ़ी आज चीज़ का क्रेज बढ़ गया सेल्फी का। लोगों में काफ़ी उत्साह है कि आज हमारा वारासिनी करके आज सेल्फी पॉइंट वारासिनी में तैयार हुआ है। यानी सोशल मीडिया में वारासिनी की एक दमदार उपस्थिति हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बोल सकते हैं आप वारासिनी की सोशल मीडिया में एक नया पॉइंट लोगों को सेल्फी का मिल गया। हमारे जो मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है और हमारा युवा साथियों का समय है। ये भारतवर्ष की आबादी में युवाओं की संख्या आज मैं समझ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा का कहें तो भारतवर्ष है। यानी आने वाला भविष्य जो है भारत का है, हमारे भारत क्षेत्र का है। और हमारे युवाओं की जो पसंद है मोबाइल से सेल्फी लेना, हमारे महिलाओं की पसंद है, बच्चों की पसंद है, तो सब गार्डन सभी लोग जाते हैं। तो हमने एक ऐसा सेंटर चुना है जहाँ चारों तरफ से लोग आके वहाँ इकट्ठा होते हैं, गार्डन भी वहीं पर है, तो एक सेल्फी पॉइंट हमने वहाँ बनाया है ताकि लोग वहाँ फोटो ले, उसमें उनका शहर का भी नाम रहे, उसमें पीछे जो उसका सुंदर तस्वीर लगाई गई वारासिनी का नाम लिखा गया। इस तरह से हमारे युवाओं का शौक है कि युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए हमने सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर, दूसरा सेल्फी पॉइंट शहर के अंदर। भैया हमने देखा कि प्राय लोग सेल्फी लेते हैं आपके साथ, आज आपने खुद सेल्फी ली, तो कितने दिन बाद सेल्फी आपने खुद के लिए और आपको कैसा लगा? आज मैंने पहली बार सेल्फी लिया तो निश्चित से थोड़ा एडजस्ट करने का समय जरूर लगा, लेकिन मुझे समझ में आया कि युवा लोग सेल्फी क्यों लेते हैं, उसका भी एक अलग आनंद समझ में आया। आपको कुछ अलग फीलिंग मिली हल्की सी? अच्छा लगा मुझे। हमारे युवा साथी, हमारी महिलाएं, सभी के जैसी उनकी इच्छा है, जैसा उनका शौक है, उसके अनुरूप आरोप सारी व्यवस्थाएं।